तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईपीएस 95 पेंशनर से संबंधित बड़ी अपडेट। दोस्तों इस तरह की अपडेट हम आपको देते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को इस अपडेट के बारे में पता चल सके। और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए, ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। ये अपडेट है बुलडाड़ा आंदोलन से संबंधित। यहाँ पर 51 दिन हो चुके हैं आंदोलन को होते हुए। यहाँ पर कल 12 फरवरी को महाराष्ट्र रोडवेज बुलडाड़ा डिवीजन के कार्यकर्ता श्रमिक संगठन के नेता श्रीमान अशोक जी, गजानन जी माने, कैला जी बाहेकर, संतोष जी जाघव, रमेश जी हिरगुडे, राम जी अपार, राम जी नानक देव पाटकर जी तथा अन्य कामगारों ने 51 दिन से चल रहे श्रृंखला अनशन को आर्थिक रूप से अपना सहयोग दिया। बुलडाड़ा स्थित महामंडल के वर्कशॉप कामगारों ने कुल 11,421 रुपए धनराशि इस आंदोलन के लिए इकट्ठा कर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी को सौंपी। सभी गणमान्य नेता तथा सभी कामगारों को आभार व्यक्त किया गया है। तो दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज है, यहाँ पर लगातार 51 दिन हो गए हैं आंदोलन होते हुए, लेकिन इसके बाद भी सरकार जो है बिल्कुल कोई रिप्लाई नहीं कर रही है। इसी तरह की न्यूज निकल कर आ रही है नई दिल्ली से। यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ईपीएस 95 योजना के पेंशन धारक न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने और इसे महंगाई भत्ते से जोड़ने तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन देने की मुख्य मांगों सहित अन्य शिकायतों पर 27 फरवरी को नई दिल्ली के जंतर मंतर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक मार्च और रैली का आयोजन करेंगे। बताया गया है कि 15 मार्च 2019 को देश के विभिन्न भागों में रेल रोको आंदोलन होगा। रेल रोको आंदोलन उत्तर भारत में ग्वालियर, पूर्वी भारत में कोलकाता, पश्चिमी भारत में भूसावल और दक्षिणी भारत में बेंगलुरु में किया जाएगा। इससे पहले लाखों पेंशन धारक राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु की अनुमति देने के लिए पत्र लिख चुके हैं। ईपीएस 95 पेंशनर संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि यह 63 लाख पेंशन धारकों व उनके परिवार से जुड़ा हुआ गंभीर विषय है। 31 जनवरी 2019 को संपन्न हुई ईपीएस संघर्ष समिति की केंद्रीय कार्यकारिणी की आपात बैठक में आंदोलन को तेज करने का फैसला किया गया है। इसमें देश भर के 16 राज्यों से 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यकारिणी में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में 3,000 रुपए मिनिमम पेंशन की मांग करने वाले यूनियनों का निषेध करना, मुख्य मांगों को मंजूर करवाने हेतु विकल्प खुले रखना और सभी आंदोलनों को लक्ष्य पाने तक जारी रखने का फैसला लिया गया। मांगों को न मानने पर रेल रोको आंदोलन करना, सीबीटी सदस्यों की आगामी सीबीटी बैठक में मुख्य मांगों के समाधान के लिए प्रस्ताव रखने के लिए जिम्मेदार बनाना, मांगों की पूर्ति के लिए किसी भी सीमा तक एनएसी द्वारा कदम उठाया जाएगा। अशोक राउत ने बताया कि हमारे लाखों खत, आंदोलन, अनेकों मंत्री तथा सांसदों के साथ वार्तालाप के बाद भी सरकार ने आज तक ईपीएस पेंशन के बारे में उचित निर्णय नहीं लिया है। अगर हमारी तरफ सरकार ध्यान देने से असफल रही तो हम भी सरकार को आने वाले चुनाव में हराने की ताकत रखते हैं। राउत के मुताबिक अखिल भारतीय ईपीएस 95 पेंशनर संघर्ष समिति के तहत पेंशन धारकों ने अपनी मांगों के समर्थन में गणतंत्र दिवस पर सामूहिक भूख हड़ताल की थी। यह आंदोलन देश भर के सभी जिलों में आयोजित किया गया था। इससे पहले पेंशनर्स ने सामूहिक आत्मदाह का आंदोलन श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा दिए गए मांगों को पूरा करने के ठोस आश्वासन पर स्थगित कर दिया गया था। राउत ने बताया कि श्रम मंत्री के आश्वासन की पूर्ति न होने पर 24 दिसंबर 2018 से महाराष्ट्र के बुलडाड़ा में पेंशन धारकों ने 24 दिसंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी, जो 23 जनवरी से अमरण अनशन में बदल गई थी और अभी भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। पेंशन धारक इतने परेशान है कि वह अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने के अलावा सांसदों के घरों और दफ्तरों का घेराव भी कर चुके हैं। पेंशनर्स मुंडन करवाकर और भिक्षा मांगकर भी अपना विरोध जता चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। 27 फरवरी को महा आंदोलन होने जा रहा है दिल्ली में। और दोस्तों अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या सरकार इस आंदोलन के बाद थोड़ी बहुत जागेगी या फिर सोती रहेगी? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को इस न्यूज के बारे में पता चल सके। और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए, ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।